खबर शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली पुलिस कॉलोनी से है। यहाँ हम आपको बता दें कि एक घर में छत के सहारे 7 से 8 चोर घुस आए और जब परिवार जागा तो बंदूक की नोक पर 7 से 8 चोरों ने 14 से 15 लाख रुपए की लूट कर ली। जानकारी के अनुसार मेवाराम उर्फ संजय शर्मा पिता आसाराम शर्मा गणेश कॉलोनी अपने घर में अपनी पत्नी और एक बच्ची और एक बच्चे के साथ सो रहा था, तभी सुबह 4:30 बजे की घटना के दौरान छत के सहारे गेट तोड़कर 7 से 8 चोर घर में घुस आए। उसके बाद उन्होंने पीछे का गेट तोड़ा, जिसके बाद परिवार जिस घर में सो रहा था उसका गेट तोड़ा। 3 गेट तोड़ने के बाद जब परिवार जिस रूम में सो रहा था उस गेट को तोड़ा तो परिवार की नींद खुल गई और जैसे ही उन्होंने चोर को देखा तो चोरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और बंदूक की नोक पर 14 से 15 लाख रुपए की लूट करके ले गए। लूट हुए सामान में एक हार, एक मंगलसूत्र, आधा किलो चांदी, LED, 3 मोबाइल, 2 से 2.5 लाख रुपए नगद थे। लूट के बाद चोर बाहर से कुंडी लगाकर भाग खड़े हुए, जिसके बाद परिवार ने अंदर से दरवाजा तोड़ा और पड़ोसी के मोबाइल से पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी है। संजय शर्मा, रात को 4:30 बजे चोर आए, 7-8 सामान वामान ले गए, सब लूट कर ले गए। वो तो सब कुछ ले गए। कितने बजे की घटना है? 4:30 बजे की। लगभग कितने रुपए का सामान होगा? 13-14, 14-15 लाख का। घर पे कौन कौन था? मैं, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे। कैसे पूरा घटना था बताओ? जीने के गेट को तोड़ के आए वो रात में, घर बाहर वाला गेट तोड़ा, उसके बाद मेरे रूम वाला गेट तोड़ा, 3 गेट तोड़ के आए थे, 7-8 आदमी थे। नहीं पता, मुझे नहीं पता, जब मेरा गेट टूटा जब पता पड़ा, उनको उनने बंधक बना लिया, हम तुम्हारे साथ में ऐसा करेंगे गोली मार देंगे हमें। हाँ, उनके पास रिवॉल्वर थी और लोहे के सरिया थे उनके पास। क्या क्या ले गए आपके यहाँ? सब कुछ ले गए, सोना चांदी मोबाइल जो होना था वो सब कुछ ले गए। आप सुबह बाहर कैसे निकले? गेट अंदर से, गेट बाहर से कुंडी लगा दी उन्हें, हमने हम लोगों ने अंदर से गेट तोड़ा, तोड़ के बाहर निकले, जब पड़ोसी के फोन से कॉल किया। हेलो, एकदम से आ गए 8-10 लोग, तो मेरे चप्पू लगा दिया, इनके गन लगा दी, बस फिर बोला कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा गोल्ड है, बहुत, तू तो करोड़पति है, पैसे निकाले। ने कहा अभी नहीं है मेरे पास कुछ भी, यहाँ कि नहीं निकालेगा तो तेरे मैं गोली मार दूंगा। मेरे से भी यही बोलने लगा, गोली मार दूंगा। तो बस चाबी, मेरे की चाबी नहीं है कबड़ की, तो ऐसे वो कबड़ रखा था उसको तोड़ा है, फिर उन्हें जो डब्बे वगैरह जो मिला है गोल्ड वगैरह सब, फिर उन्होंने ऐसा फिर मेरे कानों के ये सब निकलवाए उन्होंने। अच्छा। हाँ, इन्होंने 2-4 थप्पड़ भी दे दिए। उन्होंने खुद बताया कि किसी अलमारी में, किसी अलमारी में सोना रखा तुम्हारा या पैसे, ऐसा कुछ है क्या? ये बोला था इसकी चाबी कहाँ है। हाँ, ये अलमारी की चाबी कहाँ है? तो मैंने बोला चाबी को आ रही, छूट गई, मैं शादी में गई थी। हाँ। तो क्या कोई जरूरत नहीं, तोड़ दे, तो तोड़ दिया पूरा। आपके यहाँ कौन कौन? एक तो आप हैं, हस्बैंड? मैं, मेरे हस्बैंड, 2 बच्चे। अच्छा, बस बेटा, बेटा। क्या नाम है बच्चों के? बच्चों के लव और माही। आपका नाम? रूपा। जी जी। अच्छा, चेहरा वेरा बांध रखा था, क्या था? हाँ, फेस कवर था, ऐसे भैया कवर किए ऐसे। अच्छा, सभी के? हाँ, सभी के फेस कवर। 8 से 10 लोग थे? 8 से 10। अब बाहर का पता नहीं है, अंदर जो रूम में थे वो 8-10 लोग ही थे। अच्छा, और कोई बातचीत उन्होंने की है? बस गाली वाली दी थी और सामने सारा सामान दे दिया था। अच्छा, जैसे एक चीज में आ रही बाहर की, बाहर आपके लिए वो साड़ी बांध कर आए हैं। हाँ, तो क्या कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी पहचान का हो और जिसने पूरी सूचना दी हो? अब ऐसे केस का नाम ले सकते हैं। अच्छा, कितनी देर रहे होंगे वो आपके? वो 4:30 के समथिंग आए थे और हमको बंद कर गए थे, 20 मिनट में हम लोग अंदर रहे थे, जैसे हमें लगा कि अब कोई आवाज़ नहीं आ रही बाहर से, तो हमने गेट की कुंडी तोड़ी, हम आए तो जैसे कि 5:15 हो रहे थे, बाहर निकल के आए थे। हाँ, पड़ोस के से मोबाइल लिया तो कॉल वगैरह किए। आपके सारे मोबाइल भी ले गए? मोबाइल ले गए थे सारे, एक तो मिल गया टूटा हुआ, मेरा तो भी गुम है, मिला ही नहीं है मेरा। आपका नहीं मिला? तो मतलब ये पहचान नहीं हो पा रही कि कोई मतलब आपसे संपर्क वाला था या नहीं था? नहीं, ऐसे अब कैसे किसी का मतलब क्या बातचीत वगैरह से कुछ नहीं, ऐसा आवाज वगैरह से कोई अपने पहचान के नहीं लगा, बट उनकी लैंग्वेज यहीं की थी। अच्छा। हाँ, सीपरी साइड की थी और कहीं की नहीं थी, मतलब यहाँ से मोना से लेकर गुना तक इतनी एरिया की उनकी भाषा थी। अरे, कोई आपस में ऐसी कोई बातचीत कर रहे हो जिससे कुछ समझ में आ रहा हो? आपस में वो, उन्होंने ये बोला तेरे पास, तू करोड़पति है, तेरे पास बहुत पैसा है, तेरे पास बहुत गोल्ड है,
उसको उनको ये पता था कि हमारे पास बहुत गोल्ड है तो वो दे, अगर नहीं मिलता तो हमें वो मार देते। अगर ऐसे हम बोल देते ना, हमारा वैसे बैंक में रहता है, मैं परसों ही शादी से लौटी हूँ, तो किसी ने सोर्स दिया है कि ये शादी से लौटी है। मेरे भाई की शादी ताऊजी के बेटे की ग्वालियर, हाँ वहाँ गई थी मैं। तो अभी निकाला था आपने लॉकर से निकाला होगा, तो उसको ये भी पता, अगर हम बोलते लॉकर मेरा खाए और नहीं जैसे मिलता। पूरे गेट तोड़ा वहाँ का यहाँ था, तो आपको ये हार्ट मेरे को हार्ट मिली थी क्या गेट कुछ ठोकर, मतलब क्योंकि ऐसे ही चल रहा था और गेट बंद था तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि ऐसे धुंध में ही कुंदी है ना, तो दीवार में अंदर होती है वो, मैंने दीवार तोड़ी है, कुंदी नहीं तोड़ी, गेट तोड़ते तो ज़्यादा आवाज़ आती, तो मैंने कहा कि आवाज़ आ रही है, मैं एकदम उठी हूँ, जब तक तो वो अंदर एंटर हो गए मैं उठ के आ ही रही थी, जब तक तो घुस गए वो अंदर। आपकी कुंदी लगी हुई है? कुंदी नहीं, कुंदी के ये सब कुंदियाँ लगी रहती हैं, तो एसी वाला रूम है ना उसका ऑटोमेटिक है, तो वो अपने आप लग जाता है, तो उसकी कुंदी नहीं लगाते हम लोग। अच्छा, तो वैसे हाँ, वैसे ही मतलब लगा रहता है रूम। बच्चों से भी ये रो रही थी, तो इसको भी बोले मार देंगे तेरे बच्चों को, मार देंगे तुझे, ले जाएंगे तेरे बच्चों को, ले जा रहा है अगर नहीं दे रहा तू पैसा, और गाड़ी की चाबी दे, यानी कि भार है उस पर एंगल पर टंगी, तो गाड़ी की चाबी भी ले गए, चार्जर, गाड़ी की चाबी, LED सब निकाल ले गए।